हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका पैन कार्ड NSTL द्वारा बना हुआ है और आपको उसे ट्रैक करना नहीं आता है तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया होता है जो कि आपकी स्लिप पर जनरेट होता है। उसके द्वारा आप आराम से इस माध्यम से जो हम आपको बताएंगे आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है NSTL पैन स्टेटस। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एप्लीकेशन टाइप नज़र आएगा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है पैन और नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जो कि 15 डिजिट्स का होता है। इसके बाद आपके सामने कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा आपको फिल करना है। चलिए हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर नज़र आएगा और परमानेंट अकाउंट नंबर नज़र आएगा जो कि बीच में से हाइड होता है। आपको नाम शो होगा, ये भी हाइड होता है। कैटेगरी शो होगी। स्टेटस में आपको जो भी आपका स्टेटस प्रोसेसिंग में है या डिस्पैच हो चुका है वो यहाँ दिखा देगा। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पर अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, इस वजह से हमारा जो है एप्लीकेशन ये अभी प्रोसेसिंग में है। और अगर आपका पैन कार्ड डिस्पैच हो जाता है तो यहाँ आपके स्टेटस में डिस्पैच दिखा देगा। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं या प्रोसेसिंग में है। ये बहुत ही आसान तरीका है और आसान तरीका बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आप NSTL के द्वारा माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। और जो भी कोई दिक्कत या समस्या आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।